राजू मांजू को लेकर हर किसी के जहन में सवाल खड़े होते हैं। आखिर राजू मांजू की 007 गैंग करती क्या है और क्या इसका मकसद है? राजू मांजू क्या लोगों को परेशान करता है, या राजू मांजू जो निर्दोष लोग होते हैं उन पर अत्याचार करता है? आखिर राजू मांजू ने ये 007 गैंग क्यों बनाई, इसका मकसद क्या है? इन्हीं सवालों के बीच राजू मांजू का सोशल मीडिया पर कई लोग बड़े फैन होते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में राजू मांजू को लोग फेसबुक पर भी फॉलो करते हैं। राजू मांजू को आखिर इतने लोग चाहने वाले क्यों बने हैं? कई लोग इसके खिलाफ भी होते हैं, लेकिन राजू मांजू अपने आप को बड़ा गौ भक्त बताता है। बताया जा रहा है कि राजू मांजू ने गायों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया है। राजू मांजू का कहना है कि गायों के लिए ही वे जी जान लगा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राजू मांजू आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उन्होंने स्कूल से शुरुआत की, धीरे धीरे ये गैंग में तब्दील हो गई। अब राजू मांझू पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। अब राजू मांझू अपने गुर्गों के साथ छिपता हुआ फिर रहा है, और जो भौंरी कांड का आरोपी विष्णाराम विष्णोई है उससे उनकी दुश्मनी है। उन्हीं को लेकर राजू मांझू और विष्णाराम विष्णोई के बीच में कई बार टकराव भी होता रहा है। हाल ही में देचू के पास में राजू मांझू व विष्णाराम विष्णोई की गैंग के बीच झड़प भी हुई थी और उनकी एक स्कॉर्पियो को भी टक्कर मारी थी। पुलिस व राजू मांजू के बीच क्या संबंध है? पुलिस आखिर क्यों नहीं पकड़ रही है और क्यों छोड़ देती है? ये भी सवाल बड़े हैं।